हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सनसनी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक हेल्थी ब्रेकफास्ट रेसिपी जिसका नाम है बनाना ओट्स ब्रेकफास्ट रेसिपी। ये रेसिपी आपके वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प करती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये रेसिपी हेल्थी होने के साथ साथ हैवी भी है, जिसको लेने के बाद आपको 2 से 3 घंटे तक भूख नहीं लगेगी। आइए देखते हैं ये रेसिपी मैंने कैसे बनाई है और इसमें मैंने किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बनाना ओट्स स्मूथी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 15 से 20 बादाम, जिसको हमने 8 से 10 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। अब हम इस बादाम के छिलकों को उतार लेंगे, क्योंकि बिना छिलका हुआ बादाम हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अब हम यहाँ पर 3 चम्मच रोल्ड ओट्स का यूज़ करेंगे, जो कि मैं फ्राई कर रहा हूँ, क्योंकि फ्राई करने से ओट्स के अंदर जो साइटिक एसिड कंटेंट होता है वो रिमूव हो जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ओट्स को 8 से 10 मिनट के लिए पानी में भिगो के रख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर 2 से 3 दिन के लिए ओट्स को फ्राई कर रहा हूँ और इसको एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करके रख दूँगा। अब देखिए, ओट्स हमारे फ्राई होके रेडी है। अब हम इसको उतार लेंगे और एक साइड में रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको एडवाइस देता हूँ कि आप 3 से 4 दिन के लिए ओट्स को फ्राई करके एक एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करके रख सकते हैं। ओट्स स्मूथी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक हाई स्पीड ब्लेंडर यूज़ किया है। इसमें मैंने सबसे पहले 3 चम्मच ओट्स जो हमने फ्राई किए थे वो डाले हैं और उसको बारीक पीस के उसका एक पाउडर तैयार किया है। अब हम इसमें जो बादाम के छिलके उतारे थे वो डालेंगे और साथ में 1 गिलास पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब बादाम और ओट्स दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, तब हम इसमें 1 केला ऐड करेंगे। साथ में इसके 1 चम्मच फ्लैक्सीड यानी अलसी का पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर भी मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, अब हमारा बनाना और स्मूथी बनके तैयार है। अब हम जार में से जो स्मूथी हमने बनाई है वो निकाल के गिलास में रख लेंगे। अब हम इसमें जो हमने ओट्स फ्राई किए थे उसका 1 चम्मच इसकी टॉपिंग करेंगे, जिसके कारण से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है और जो क्रंचीपन है वो हमारी स्मूथी में आ जाता है। आप सब ये स्मूथी बनाइए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये स्मूथी कैसी बनी है और इसका जो टेस्ट है वो कैसा है। अगर आप इसमें कुछ मीठा ऐड करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसमें 1 स्पून हनी ऐड कर सकते हैं। ये रेसिपी वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प करती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपके कोई भी कमेंट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक धन्यवाद।